पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को बीमार सोच वाला कदम करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो कहर बरपा वो सबके सामने है। नोटबंदी ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, पेशा या संप्रदाय का हो। अक्सर कहा जाता है कि वो वक्त सभी जख्मों को भर देता है, लेकिन नोटबंदी के जख्म दिन ब दिन और गहराते जा रहे हैं। मनमोहन के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी के दिन को काला दिन करार दिया, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर नोटबंदी की कीमत समझाई। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आलोचकों को जवाब दिया और कहा, 8 नवंबर 2016 को 1,000 और 500 रुपए के बड़े नोटों पर रातोंरात प्रतिबंध लगाने का फैसला सरकार की ओर से उठाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की श्रृंखला में एक कदम रहा। नोटबंदी के फैसले के बाद से लोगों को टैक्स सिस्टम से बचने में मुश्किल हो रही है। बैंकों में लगभग पूरी नकदी जमा हो जाने पर भले आलोचना हो रही हो, मगर नोटबंदी के फैसले के पीछे नोटों को जब्त करने का ऐसा कोई उद्देश्य था ही नहीं, बल्कि सभी कैश को बैंक खातों के जरिए औपचारिक व्यवस्था में लाने का मकसद था। इस नाते नोटबंदी की आलोचना का कोई आधार ही नहीं। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। 8 नवंबर की आधी रात से पुराने नोट बंद हो गए थे। नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम।